गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर दूसरे दिन भी मेले में घूमने आए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को परंपरागत रूप से चढ़ने वाले खिचड़ी के दूसरे दिन भी सोमवार को श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर गुरु गोरक्षनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई और गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिया। खिचड़ी चढ़ाने के बाद श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगे झूले का जमकर लुत्फ उठाए, जहां हर प्रकार के झूले लगे थे, जिसमें ब्रेक डांस, मैजिक डांस, बड़ा झूला, मौत का कुआं, गन शूट शामिल है। लोगों ने मेले में लगी प्रदर्शनी और चल रहे जादू का लोगों ने आनंद उठाया। मेले में हजारों की संख्या में सोमवार को भी लोग पहुंचे थे, जिनके संबंध में गोरखनाथ मंदिर मेला घूमने आए श्रद्धालु राकेश यादव ने बताया कि हम पहली बार जिला गाजीपुर से अपने पूरे परिवार के साथ खिचड़ी का मेला घूमने आए हैं। यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और मन को शांति मिली। हमने जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर बहुत ही भव्य मेला लगा हुआ है। हम सबसे पहले अपने परिवार के साथ गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन किए और खिचड़ी चढ़ाई तथा खिचड़ी चढ़ाने के बाद हम लोग मेला घूमने आए। यहाँ पर हमने तरह तरह के झूले व तरह तरह की प्रदर्शनी व खाने पीने के स्टॉल और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई देखी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज़रूरत के सामान, बर्तन और घर के उपयोग किए जाने वाली सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अब हम हर साल मकर संक्रांति पर दर्शन करने आएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर मेला घूमने आए श्रद्धालु राकेश यादव ने कहा, राकेश यादव जी, यहाँ कितने सालों से मेले में आते हैं? सर हम देखिए, हम पहली बार आए हैं, हम तो गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से मेले का नाम मैं यहाँ पे सुन के आया हूँ कि अच्छा मेला लगता है। उसका जो सुना हुआ सही है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे पसंद हुआ, मैं मेरा दिन अच्छा हो गया। ठीक है, मेले का तो मैं बहुत आनंद लिया, चरखी पे चढ़ा, इस पर चढ़ा, दो तीन सौ चढ़ा और जाके बाबा का दर्शन भी किया, भोलेनाथ बाबा का दर्शन भी अच्छे से किया। खिचड़ी भी चढ़ाया, प्रसाद भी चढ़ाया।